सोशल मीडिया पर सीमा और सचिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों बहुत इमोशनल है। सचिन उदास है और सीमा उसको समझा रही है। इसी वीडियो को देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि इस विश्व कप के बाद क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली जाए। सचिन रो रहा है, सीमा भी रो रही है। देखिए कैसे सचिन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और सीमा भी बेहद ही इमोशनल दिखाई दे रही है। सीमा की आंखें नम है। सीमा सचिन को चुप करने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों सचिन रो रहा है, क्यों सीमा रो रही है, क्या कुछ होने वाला है, क्या दोनों का रिश्ता कोई बड़ा मोड़ लेने वाला है, क्या इस रिलेशनशिप में कोई ट्विस्ट आने वाला है। इस वीडियो की पूरी हकीकत हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले चर्चा उस बड़े दावे की जो सीमा हैदर को लेकर किया जा रहा है। क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाने वाली है? क्या नवंबर के महीने में सीमा सचिन को छोड़कर पाकिस्तान चली जाएगी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले एक शख्स ने सीमा को लेकर ऐसा दावा किया है। पाकिस्तान के यूट्यूबर सैयद बासित अली के वीडियो में ओसामा नाम का एक व्यक्ति आया था जो खुद को सीमा हैदर का पूर्व प्रेमी बता रहा था। सीमा के पूर्व प्रेमी ओसामा ने दावा किया था कि सीमा को क्रिकेट बहुत पसंद है और सीमा सिर्फ वर्ल्ड कप मैच देखने भारत गई है। वो वर्ल्ड कप मैच देखने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। वो वर्ल्ड कप देखने के बाद वापस पाकिस्तान आ सकती है। ओसामा ने ये दावा भी किया था कि सचिन तेंदुलकर सीमा को बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने सचिन मीणा नाम के लड़के को भारत में चुना है। इसी दौरान सोशल मीडिया में ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में सचिन रोते हुए दिखाई दे रहा है और सीमा उसको चुप करा रही है। दरअसल किसी बात को लेकर सचिन का दर्द छलक उठा और सचिन के आंसू निकलने लगे। वो बच्चों की तरह रोने लगा। सचिन को रोता देख सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए। देखिए सीमा भी रोने लगी और सीमा सचिन को चुप कराने लगी। सोशल मीडिया में ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग सीमा को लेकर तरह तरह के कयास लगाने लगे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वीडियो का सीमा के पाकिस्तान जाने के कयासों से कोई लेना देना नहीं है। सीमा कई बार साफ कर चुकी है कि वो सचिन को छोड़कर कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।